अगर ढूंढा जाए तो हमारे आसपास ही ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो सरकारी सिस्टम की धीमी गति के मारे हुए होंगे, जिनके सामने अगर नाम भी ले लो कि ये काम सरकारी दफ्तर से करवाना है, तो लोग सरकारी तौर तरीकों से काम करवाने की बजाय उसी काम को करवाने का शॉर्टकट ढूंढने में लग जाते हैं। ये कहना गलत भी नहीं होगा कि आज लोगों में ये मानसिकता बन चुकी है कि जिस काम को सत्ता पक्ष के नेता या अधिकारी चाहेंगे वही जल्दी हो सकता है, वरना दफ्तरों के चक्कर काटते काटते इंसान की उम्र बीत जाती है। बस ऐसे ही एक मामले को लेकर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिखा है। ये मामला कोई और नहीं बल्कि सपा नेता आजम खान और बीजेपी विधायक विक्रम सैनी का है, और दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक विपक्षी दल का नेता है तो दूसरा सत्ता पक्ष का। दरअसल जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को पत्र लिखकर सवाल उठाया है कि जिस तरह आजम खान के मामले में तत्परता दिखाई गई है, उस तरह से मुजफ्फरनगर के खतौली से विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता को समाप्त करने में क्यों नहीं दिखाई गई। जयंत चौधरी का यह सवाल इसलिए भी लाजिमी है क्योंकि आजम खान को जैसे ही कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई, रामपुर जिला अधिकारी के कार्यालय ने इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय को दी, तो राज्य निर्वाचन कार्यालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में वह पत्र विधानसभा सचिवालय को भेज दिया। आजम को 3 साल की सजा की चिट्ठी मिली, उसे लेकर विधानसभा स्पीकर ने आजम खान की सीट को रिक्त घोषित कर दिया। वहीं मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में दोषी करार दिए गए बीजेपी विधायक विक्रम सैनी के मामले में ऐसा नहीं है। अदालत ने विक्रम सैनी को 2 साल की सजा सुनाई है, लेकिन न तो मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग को इस फैसले के लोक में सदस्यता खत्म करने की कोई सूचना भेजी गई, और न ही राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय ने विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द करने को लेकर कोई चिट्ठी विधानसभा कार्यालय को भेजी। इन दोनों मामलों में कुछ तो है जिसकी वजह आजम खान के मामले में तत्परता तो बीजेपी विधायक के मामले में इतनी शिथिलता बरती जा रही है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि जयंत चौधरी की चिट्ठी का विधानसभा अध्यक्ष संज्ञान लेते हैं या फिर उसका जवाब देते हैं।